हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा, बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। दिल क्या बात की जाए साहब, इस दिल की इतना आवारा है, दिल के आने के लिए वक्त नहीं देखता। लेकिन अगर जिंदगी में आपके पास दिल नहीं है तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं है। लोगों के पास दौलत होती है लेकिन दिल नहीं होता, और यकीन मानिए जिसके पास दिल होता है उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं होती। आपने जो हमारे शो को दिल दे रखा है, यकीन मानिए दिल करता है कि मैं आपके लिए कहूं वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में दिमाग हो ना हो, दिल का होना बड़ा जरूरी है। और इससे मुझे कुछ याद आया, मुझे बुलाना है मेरी साथी को, जरा जोरदार तालियां बजाइए। नमस्कार, मैं हूँ आप सबकी चहेती, आपकी प्यारी एंकर नेहा के मेहता और इनकी दोस्त दिलदार अंजलि तारक मेहता। और अब दिल से कहती हूँ आप सबको, आपके लिए कि वाह वाह क्या बात है। मेरा दिल ना जब भी कोई अच्छी कविता सुनता है, जब भी किसी अच्छे लोगों से मिलता है, तो वो बाग बाग हो जाता है। हाय 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 हाय, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन मोहतरमा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि दिल एक ऐसी चीज है जो न दो तो अच्छा, और अगर दे दिया तो उसके बाद दिल में इतने दर्द होते हैं कि थमाए नहीं थमते। लेकिन दिल का दर्द जिन चीजों से दूर होता है उसका नाम सिर्फ कविता है। तो एक बार हमारे कवियों के लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है। मैं तुम्हारी जगह इनकी बाजू में रहना चाहूंगा। तो आपको डेलना से जोड़ी बनानी है। बनानी क्या, बन गई है। ठीक है, मैं सुंदर जी को अपनी जोड़ी बना दूंगी। तेरे नकली बालों की तुझको कसम। अच्छा, ये इन्हें आप समर्पित कर रहे हैं शेर? खुद ही समझ गए। तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना। गजल बनते बनते। एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश के चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया। सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। भाई वाह वाह बहुत बढ़िया। मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने। आया है क्या बात है वसीम साहब, बहुत अच्छे। टाई सूट पहन के आइए मिलते हैं हमारे साथियों से जो आ चुके हैं। भाई वाह वाह क्या कमाल है। वसीम साहब, आपकी उम्र इन दोनों से बहुत ज्यादा है मैं जानता हूँ। इन दोनों के माथे का हाल देखिए, और आप क्या माशा अल्लाह आज भी क्या बात है। इसे कहते हैं कमाल कि आदमी की उम्र कुछ भी हो जाए लेकिन वसीम साहब आज भी उतने हैंडसम लगते हैं। हैंडसम तो सुरेंद्र यादवेंद्र भी लगते हैं जो मंच के इस कोने में बैठे हैं, और बाकी कवि तो आते हैं ये मंगवाए जाते हैं। ये 12 जो राजस्थान में एक ज़िला है वहाँ से मंगवाए गए हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। तो सुरेंद्र यादवेंद्र के जरा तालेंद्र हम बजाते हैं। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। सुरेंद्र यादवेंद्र जी के पास जो बैठे हैं उनके लिए, शायद इस देश के किसी श्रोता को जो मुशायरों में जाता हो या कवि सम्मेलन में जाता हो उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका एक शेर मुझे याद आता है, तीरगी कहते हैं अंधेरे को। तो वसीम साहब कहते हैं कि सबने मिला लिए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ है रोशनी के साथ। ये है डॉक्टर वसीम बरेलवी, और हमें बड़ी खुशी है कि आज वसीम बरेलवी साहब हमारे साथ हैं। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें।
वसीम साहब बड़े सुंदर शेर कहते हैं और सुंदर खुद यहाँ पे मौजूद हैं, सुंदर मालेगावी। ये जो शेर मैंने भी वसीम साहब का सुनाया है, मुझे ध्यान है कि आपने शेर के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी एक बार। सर का मतलब है कि सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ है रोशनी के साथ। तो मैंने ऊपर का मिसरा बदल करके यूं रखा है कि बेगम के साथ देख के सबने कही ये बात। अच्छा, आप बेगम के साथ देख के सबने कही ये बात, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। रोशनी के साथ सचमुच मजाक होता है जब लोग अंधेरे से हाथ मिला लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके जहन में उजाले होते हैं, जो हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ, वो एक मशाल लेके चल रहे हैं कि वो जब तक रहेंगे लोगों को हंसाएंगे, और हंसाने से बड़ा कोई पुण्य का काम होता नहीं। तो सुंदर मालेगामी साहब, अब देर किस बात की है, जरा यहाँ आइए, सारा मुल्क बेताब है आपको सुनने के लिए और तालियां बजाने के लिए। सुंदर मालेगामी, गजल कैसे कैसे लिखी जाती है मुझे नहीं मालूम जी, मैंने जैसे लिखने की कोशिश की है मैं आपको सुना रहा हूँ। फिर देखे जो भी जलवे दिखाए मेरी गजल। अच्छा, फिर देखे जो भी जलवे दिखाए मेरी गजल, दिखाए मेरी गजल, मिर्ची पे लिख के कोई तो खाए मेरी गजल। और झाड़ फुकुआ हो के तांत्रिक वो सुन ले गौर से। अच्छा, झाड़ फूकुआ हो के तांत्रिक वो सुन ले गौर से, वो सुन ले गौर से, भूत और चुड़ैल सब ही भगाए मेरी गजल। बहुत अच्छे। तो जरा इधर भी ध्यान दीजिए, कुछ कुछ ऐसे होते हैं उनको दो तीन मरतबा पढ़ना पड़ता है। जी, भूत और चुड़ैल सब ही भगाए मेरी गजल, और महंगाई इस कदर है के अल्लाह की पना, अंडे टमाटे फिर भी खिलाए मेरी गजल। उससे बड़ा कवि मैं उसे मान जाऊंगा। अच्छा, उसे मान जाऊंगा, उल्टा लटक के कोई सुनाए भाई। बहुत अच्छे। और हमारे मंच पे आजकल शोपीस आ जाते हैं, शोपीस जी, तो उनके लिए मैंने दो लाइन लिखी है। नजर ना मिलाना गजल पढ़ते पढ़ते। अच्छा, नजर ना मिलाना गजल पढ़ते पढ़ते, मगर दिल लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। क्या बात है। और तेरे नकली बालों की तुझको कसम है। अच्छा, ये इन्हें आप समर्पित कर रहे हैं शेर जी? खुद ही समझ गए। तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सा पानी सा ये आए ना आए, मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सा पानी सा, सारे सा पा, सारे सा पा नी सा, सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा ये आए ना आए, मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। आइए हमारे मामू जान के ऊपर दो तीन लाइन सुना देते। मामू जान पे सुनाइए साहब। जब से बस्ती में आ गए मामू, जब से बस्ती में आ गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए मामू, गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, कच्ची मिर्ची चबा गए मामू, बन के काजी जो बैठे मसनद पर। मसनद एक वो तकिया और बिस्तर जो होता है जिसपे बैठते बड़ा आराम से। बन के काजी जो बैठे मसनद पर, अक्द अपना पढ़ा गए मामू। और दादागिरी के मामू गिरी है, दादागिरी के मामू गिरी है, दादागिरी के मामू गिरी है, बैंड सबका बजा गए मामू। मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, तुम तो पहले ही आ गए मामू। मैंने दो लाइन लिखी है।
मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते, मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते मैं ले चला हूँ गंडा फुकाने के वास्ते। जी जी, ये मैं इसका अर्थ बता दूं कि जो एक ताबीज, गंडा ताबीज जो होता है वो अगर फूंक मार के किसी को पहना दिया जाए ऐसा मानते हैं तो फिर वो आपकी बात मानता है। और वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं मिला, वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं मिला, निकला था घर से बकरे चुराने के वास्ते। और तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो, आहा, तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो, तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो, अब आरजू की दाल गलाने के आए हाय, आरजू की दाल गलाने के वास्ते। और वाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, वाइट कबूतरी, भाई ये शेर कहाँ है वैसे, ये मिसरा जो है, ये दोनों मिसरे यहीं पर आमने सामने हैं जी। वाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, सुंदर अड़ा है जोड़ा लगाने के वास्ते। एक मतलब शेर ये होगा जी, अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल, अच्छा अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल, अरमान की गजल कटरीना सुन के रो पड़ी सलमान। और जल्लाद आके फांसी पे खुद ही लटक गया, जल्लाद आके फांसी पे खुद ही लटक गया, शायद किसी से सुन लिया सुल्तान की गजल। बहुत बढ़िया शेर भाई, मैं बच्चों को समझा दूं कि सुल्तान की गजल पे मैं इतना हंसा क्यों, जो राजा है, जो शासक है, जो सुल्तान है वो कवि हो और आप उसकी गजल सुन ले, कविता सुन ले और दाद न दे तो क्या हाल होगा। इस जल्लाद ने सोचा कि मुझे मालूम है कि मेरा क्या हश्र होने वाला है, तो खुद ही जाके फांसी पे लटक गया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सुंदर, क्या बात। चलिए, सुंदर ने बताई अपनी बातें, लेकिन हम बुलाते हैं उन्हें जिनके लिए मैंने ये कहा था कि वो बुलाए नहीं जाते, मंगवाए जाते हैं। सुरेंद्र यादवेंद्र हास्य व्यंग का एक ऐसा कवि है जिसके पास अपना एक अलग अंदाज है, अलग अंदाज कैसा है जानते हैं उनसे। सुरेंद्र यादवेंद्र, शैलेश जी, ये दो दुपट्टे पहन के आने का तात्पर्य क्या? नहीं, मेरा तो नाम ही डबल है, सुरेंद्र यादवेंद्र, एक सुरेंद्र का है एक यादवेंद्र का। इस शरीर की कई परेशानियां हैं, कई पीड़ाएं हैं, मैं चार पंक्तियों में अपनी पीड़ा को व्यक्त करता हूं आपसे। कि तंग आओ टोरिक चारे मिनी बस टेम्पो भी मुझको बिठाने में बहुत कतराते हैं। अच्छा, ओ बस वाले बस में बिठाते नहीं मुझको, तो रेल वाले माल माल गाड़ी का बताते हैं। अच्छा, रेल में जो बैठ जाऊं यात्री यो बात करें, देखो देखो डब्बे में भूत चाल आ रहा है जी, और ते यो आपस में कनबतियां करे है, हाय हाय गाड़ी में क्या माल जा रहा है। एक दो छोटे छोटे व्यंग आपको सुनाता हूँ जी। एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश के चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। और पारिवारिक व्यंग से आपको जोड़ना चाहता हूं कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुद्ध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है, इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, रोज सुबह सुबह दो बेसन के लड्डू सफेद गाय को और दो देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे पांचवें दिन झल्लाती हुई दांत किटकिटाती हुई बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के चार चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय, घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया सुरेश, बहुत अच्छा, क्या बात, क्या बात है। अब मैं इसी को बात को आगे बढ़ाता हूँ और दिक्कतें कुछ सुनाता हूँ आपको, पर ये मेरी पर्सनल है। हाँ।
कि मेरी बीबी गोरी गोरी वो तो जीभ की चटोरी मुझसे कचोरी मंगावे और अकेली खा जावे मुझे सिंगटा बतावे और ऊपर से चिढ़ावे मैं हो गया परेशान उसको छोड़ूंगा उसको छोड़ूंगा सही बात है इसके अलावा कोई चारा ही व्यक्तिगत प्रॉब्लम है क्या हालांकि ये बात मैं 25 साल से कह रहा हूँ जरा सा कुछ कहते ही वो खाने मुझको दौड़े घर वाले समझाए तो वो कपलेट को फोड़े 9:30 पे उठे खाट से 10:30 पे नहावे 10-10, 12-12 रोटी खा करके सो जावे वो खर्राटे भरे भयानक नींद मुझे नहीं आवे मेरी फूट गई तकदीर राम उसको छोड़ूंगा मैं तो सोऊं नीचे और वो पलंग पे सोवे कभी दुखावे पेट कभी वो सर माथे को रोवे गड़ा फाड़ सी के चिल्लावे जमकर ताने मारे कभी कभी गुस्से में मेरे बेलन भीतर ताने रात रात में सर को दबाऊं उसके बेट सराने तेने कहां में फसाया भगवान उसको छोड़ूंगा मैं इतना परेशान हो गया नेहा जी एक बार तो मैंने सुसाइड करने की सोच लिया नहीं नहीं चला भी गया था लेकिन रास्ते में प्रवचन हो रहे थे वो प्रवचन में एक महाराज जी बता रहे थे कि नहीं सुसाइड करना आत्महत्या करना पाप है अपराध है कायरता है बुजदिली है ये है वो है इससे तो अच्छा का आदमी खुद अपने आप को गोली मार ले मैंने विचार कैंसिल कर दिया के खाना मुझसे बनवावे बर्तन भी मुझे मजावे के घर की बात किसे बतलाऊं कपड़े तक धुलवावे के झाड़ू में ही लगाऊं और पोछे भी में ही लगाऊं 8 बजे पटेलन को पलंग पे चाय पिवाऊं मेरी फूट गई तकदीर राम उसको छोड़ूंगा क्रीम पाउडर लिपस्टिक के पर्चे रोज बतावे मैं ना लाऊं तो वो खुद ही जा करके ले आवे अकेली बाजार वो जावे सब शॉपिंग कर आवे सब सामान उधार में लावे मेरा नाम लिखावे और वो हीरोइन बरी फिरे और जूत सुरेंद्र खावे मेरे उड़ गए टाट के बाल उसको छोड़ूंगा उड़ रे टाट के बाल उसको छोड़ूंगा मेरे उड़ रे टाट के बाल उसको क्या बात बहुत बढ़िया सुरेंद्र यादव ने कमाल किया आपने जिसे मुझे याद है पति पत्नी एक बार रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक ऐसा कुआं पड़ता था जिसके बारे में ये मशहूर था कि इस कुएं में सर झुका के आप जो भी मांगोगे वो तुरंत मिल जाएगा सबसे पहले पति ने सर झुका के कुछ मांगा आया फिर पत्नी गई और जब झुक के मांग रही थी तो उसमें ही गिर गई तो पति ऊपर देख के बोला मैं आज से पहले ऐसी चीज़ों में यकीन नहीं रखता था तो भाई ये जो यकीन है जिंदगी के अंदर ये बड़ी मुश्किल से पैदा होता है और कुछ लोगों में लोगों को बड़ा विश्वास होता है कि वो जहां होते हैं बड़ी मारक बात करते हैं कमाल की बात करते हैं एक ऐसे ही शायर हमारे साथ है प्रोफेसर वसीम बरेलवी महफिल दिल की है लिहाजा पहले बात एक शेर से शुरू की जाए जी कि हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत हम अपने चेहरों से इतने नजर नहीं आते क्या बात है भाई वाह वाह आओ ये मोहब्बत है इसे दोनों निभाएं आओ ये मोहब्बत है इसे दोनों निभाएं एक दिल में समा जाए ये वो राज नहीं है वाह 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 तो कहता हूं कि उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है उसूलों पर अगर आंच आए टकराना जरूरी है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है क्या बात है वाह 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 बहुत अब आइए आप लोगों के लिए शेर भी सुन लीजिए कि कतरा आब एहतजाज ये पूरी जनता का दर्द है कि कतरा आब एहतजाज कहते हैं प्रोटेस्ट को कतरा आब एहतजाज करे भी तो क्या मिले कतरा आब एहतजाज करे भी तो क्या मिले दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले वाह 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 दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले क्या बात है वाह वाह इस दौरे मुनसिफी में मुनसिफी कहते हैं न्याय को न्याय। इस दौरे मुनसिफी में जरूरी नहीं वसीम इस दौरे मुनसिफी में जरूरी नहीं वसीम जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले भाई वाह 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 क्या बात है और चूंकि आपका चैनल बहुत देखा जाता है उन सारे श्रोताओं के लिए जो इसको देख रहे हैं चैनल को पेश करता हूँ सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने वो मैं
जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। भाई वाह वाह बहुत बढ़िया भाई बहुत अच्छी। मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने। आया है क्या बात है हसीन साहब बहुत अच्छे। आखिरी शेर भरोसा तूने तोड़ा था। ये भी हिंदुस्तान की मोहब्बत कह सकती है और कहीं की नहीं। भरोसा तूने तोड़ा था मगर खुद को सजा यूं दी। भरोसा तूने तोड़ा था मगर खुद को सजा यूं दी कि फिर जो मिल गया उस पर भरोसा कर लिया मैंने। आया है भाई बहुत बढ़िया शेर। एक गीत के कुछ बंद सुनाता हूँ। इरशाद तेरी एक नजर ही मुझको धूप से कर गई छांव। सजन ये बात किसे बतलाऊं। सजन ये बात किसे बतलाऊं। अब बंद सुने कि तन की तपती रेत पे जैसे फार गिरे शबनम की ओ कैसी लज्जा ही छुअन पापी तेरे मौसम की। बदरा बदरा से सजाऊं। सुनिए जी और शिरकत कीजिए के बदरा बदरा से सजाऊं धूप धूप शर्माऊं सजन ये बात किसे समझाऊं। क्या बात है। और कविता के पारक सुने ये बंद के कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मेरे वीराने सुनिएगा आज उसी दर्पण में तू ही तू है तू क्या जाने। वाह वाह। मेरे अंदर चोर छुपा है जाने कब लुट जाऊं। जाने कब लुट जाऊं भाई बहुत बढ़िया। मेरे अंदर चोर छुपा है जाने कब लुट जाऊं। आखिरी बंद सुनिए के रोज के देखे भाले मंजर आज कुछ और कहे और दुनिया भर की नदियां जैसे मेरे साथ बहे बहुत अच्छे। कैसा किनारा हाथ में आया है के डूबी जाए। क्या बात है सजन ये बात। तहत में दो चार शेर और सुना दीजिए। अच्छा अकेले हूँ तो कैसी महफिलों की याद आती है जी मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई सताती है। कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा। मुतमईन मतलब संतुष्ट। कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। वाह 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 वाह। और ये शेर भी सुन लीजिए कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। वाह 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 बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बात है। आखिर ये दो शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जी इरशाद। क्या बताऊँ कैसा खुद को दरबदर मैंने किया। क्या बताऊँ कैसा खुद को दरबदर मैंने किया। उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। भाई वाह 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 बहुत अच्छा। तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ। तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ। तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। हाय 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 क्या बात है। वाह 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 बहुत बढ़िया। और आज यहाँ बात चल रही है दिल की तो दिल की बात चल रही है तो आप भी कुछ कहिए ना। हम क्या कहे दिल की बातों में हम तो छोटी सी बस नाचीज है। अरे रे किसने कहा आप नाचीज हैं आप तो कमाल की चीज हैं। सर मुझे प्यार से लोग कमाल कहते। ऐसी महफिल के अंदर मैं यकीन करता हूँ और मैं मानता हूँ कि आप लोग कहीं उठ के जाने की सोचते भी नहीं। अब तो आप जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारे जो मेहमान साथ में उसके अलावा हमारे खास मेहमान आ रहे बल्कि यूं कहूं कि आ रही हैं। एक टेलीविजन और फिल्मों का ऐसा चेहरा जो बड़ा ही क्यूट है हालांकि वो कविताएं नहीं लिखती है लेकिन कविता के शोर से दूर भी नहीं रह पाई। आ रही है हमारे बीच में दिलनाज ईरानी। ये बात बताओ कि ये बैग लेके क्यों आई हो तुम। ये बैग में मेरा दिल है। दिल हाँ उस दिल
अल्लाह की क्या बात है, आप दिल देने के लिए आई है तो किसे देंगी दिल भाई? हाँ, बहुत से कवि देखे, किसी ने मेरे लिए अच्छी अच्छी कविताएं नहीं लिखी। आज मैं आजमाना चाहती हूँ, जो इंसान मेरे लिए अच्छी अच्छी कविताएं लिखेगा जी, उसे मैं अपना दिल दूंगी। सुरेंद्र जी माइक उठाइए, तुरंत उठाइए, बोलिए कुछ अच्छी लाइन है इनके लिए, शायद आपको दिल दे दे। के हिरनी सी चले चल दिल में उठे बबाल, दिल करता है के शिकारी बन जाऊं, शिकारी बन जाऊं मैं। सुशासन घर तेरा चीर खींचने को आए मदन गोपाल, चक्रधारी बन जाऊं। क्या बात है, मन तेरा मंदिर बना ले घर प्यार का, तो प्रीत प्रेम प्यार का पुजारी बन जाऊं मैं। रूप का कटोरा तेरे जैसा घर मिल जाए, घर द्वार छोड़ के भिखारी बन जाऊं। मुझे और भी कुछ अच्छी पोएम सुननी है। मैं तो यही कहूंगा कि एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो, और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी जी। लेकिन समझ में नहीं आया, मेरी तारीफ कर रहे थे आप के बुराई कर रहे थे? मतलब यहाँ भी नहीं है। नहीं, शैलेश जी, जी आपका चांस बैग के लिए। इन्होंने न जाने क्या क्या कहा, लेकिन मैं किसी एक जमाने में किसी ने बहुत खूबसूरत कुछ लिखा था, मैं तो आपके लिए वो कह सकता हूँ। इरशाद इरशाद। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू, मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू, हमरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए, लिए। ये बैग तो जाएगा शैलेश जी को, घर जाओ, मतलब गो होम, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह इनकी बाजू में रहना चाहती हूं। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, बाय नेहा, गो होम, बाय बाय, मिलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, कमाल हो गया भाई, बहुत अच्छे। एक मिनट शैलेश जी, यू श्योर आपको डेलना से जोड़ी बनानी है? हां, बनानी क्या, बन गई है। ठीक है, नहले पे दहला, मैं सुंदर जी को अपनी जोड़ी बना दूंगी। सुंदर जी, रियली सॉरी, मैं तुम्हारा दिल तोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शरीफ आदमी का घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ सुंदर आप अपनी जगह पे जाएं। दोस्त है डेलू, प्लीज आप वहीं आओ, अब भाई आ जाओ, वापस आ जाओ। डेलू, लेकिन एक बात है, मैं जानता हूँ तुम कविताएं नहीं लिखती हो, तो कविता के शो में हो तो क्या करने वाली हो, क्या सुनाने वाली हो? एक अच्छी सी कविता जिसका वो मुझे सरकार बनानी है। ओहो, मुझे सरकार बनाने दो भाई, ये तो हमारे कमाल के कवि जो हुए काका हाथरसी जी, उनकी कविता है, बहुत खूबसूरत कविता। मैं पहली लाइन आपको याद दिला देता हूँ। हाँ, प्लीज। पहली लाइन है कि जो बुढ़े खूसट नेता है उनको गड्ढे में जाने दो, जो बुढ़े खूसट नेता है उनको गड्ढे में जाने दो, बस एक बार, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो, मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, मेरे भाषण को सुनने से अच्छा व्यवहार हो बीवी का, मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो, बस एक बार, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो, जो कत्ल किसी का कर देगा मैं उसको बरी करा दूंगी, हर किसी पिटी हीरोइन की प्लास्टिक सर्जरी करा दूंगी। लड़के लड़की और लेक्चरर सभी फिल्मी गाने गाएंगे, हर कॉलेज में सब्जेक्ट फिल्म का कंपलसरी करवा दूंगी, हिस्ट्री और गणित जैसे विषय पर बैन लगाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो, श्रोता आपस में मरे कटे कवियों में फूट नहीं होगी, कवि सम्मेलन में कभी किसी की कविता हूट नहीं होगी, कवि के प्रत्येक शब्द पर जो खुल के ताली ना बजा सके, ऐसे मनुष्य को कविता सुनने की छूट नहीं होगी।
कवि की हूटिंग करने वालों पर हूटिंग टैक्स लगाने दो, बस, बस एक बार, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। भाई बहुत बढ़िया डेलनाज, बहुत बढ़िया। एक इंटेलिजेंस की इसमें, काका जी ने लिखा था कि मैं करा दूंगा, आपने अपने हिसाब से करवा दूंगी, कर दिया सब कुछ, लेकिन बहुत बढ़िया। हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद कहते हैं यहाँ आने के लिए, और बहुत स्पोर्टिंग होके इस तरह से कविता सुनाने के लिए। और दिल एक बार ही सही, लेकिन जो आपने दिल मुझे दिया है उसको, दिल को दे के जाने के लिए मैं चाहता हूँ कि दिल वापस आप संभाल के ले जाएं। फिर कभी फुर्सत होगी मैं आऊंगा और दिल को लेके जाऊंगा। लास्ट थैंक यू वेरी मच। इनमें तो कविता सुनाने की प्रतिभा छिपी हुई थी, और ये हमारा फर्ज है कि हम एक ऐसी प्रतिभा को हर एपिसोड में आपके सामने लेके आते हैं जो आज तो छुपा रुस्तम है लेकिन कल सारी दुनिया फतेह करने की कुव्वत रखता है और इच्छा भी रखता है। नई दिल्ली से हमारे बीच में आती है हमारे आज के छुपे रुस्तम पद्मिनी शर्मा। मैं कुछ चार पंक्तियों से अपनी शुरुआत करती हूँ, स्वागत, सुनिएगा। खुद तपी मुझको मगर आंचल की छाया में रखा, सब अभावों को छिपा भावों की माया में रखा। क्या बात है, सब अभावों को छिपा। माँ तेरे संघर्ष मेरी अर्चना के पात्र है, धन्य तू नौ मास मुझको अपनी काया में रखा। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, वाह। और एक लड़की जब युवा होने के बाद घर से बाहर निकलती है तो उसे क्या महसूस होता है? घर से बाहर जब निकलती हूँ से हर जाती हूँ मैं, माना हो गर साथ मेरे बहुत डर जाती। क्या पंक्ति है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक सीटी एक बोली एक मैली सी नजर। क्या बात, एक सीटी एक बोली एक मैली सी नजर। जब कभी उठती है सौ सौ मौत मर जाती हूँ मैं। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जब कभी पत्नी बहुत अच्छी हूँ सौ सौ मौत मर भाई, बहुत बढ़िया पत्नी, बहुत अच्छा। माँ की प्यारी सी परी हूँ चाह हूँ अरमान हूँ, लाडली पापा की उनका मान हूँ अभिमान हूँ। घर से बाहर सारी दुनिया किंतु एक बाजार है। क्या बात है, मंचलों की दृष्टि में लड़की नहीं सामान है। क्या बात है, मंचलों की दृष्टि में लड़की नहीं सामान हूँ। और इसके बाद एक प्रेमी जब एक पति में तब्दील होता है उस पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। हाँ पत्नी। मेरा सांवरिया मेरा सांवरिया, न समझे मेरी पीर जी समझे मेरी पीर, दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे रे मेरा सांवरिया। चिड़ा चिड़ी का जोड़ा खिड़की बैठा था और हाय, मैं बिरहा नीर, दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे मेरा सांवरिया। एक पत्नी पूरे हफ्ते ये इंतजार करती है कि कब संडे आएगा, वो इसलिए कि वो अपने पति के साथ समय बिताने का उसको मौका मिलेगा। टाई सूट पहन के बांका सुबह सवेरे जाए, सारे दिन मैं रहूं अकेली शाम ढले घर तेरी दरवाजों से बांटू अपनी पीर जी बांटू। क्या बात है, पीर दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे भाई, क्या बात है। मोबाइल और कंप्यूटर से बैठा नाता जोड़े, मॉडर्न राजा वो, मॉडर्न राजा वो, मैं वही पुरानी हीर। आहा।
क्या बात है भाई पद्मिनी, क्या कहूं, सचमुच आपके गीतों में भी आपकी मासूमियत झलकती है। हम एक स्मृति चिन्ह आपको प्रदान करना चाहते हैं, लेके जाइए और अपने पति को दिखाइए और कहिए कि तुम संडे को नहीं मिलते, कंप्यूटर मोबाइल में उलझे रहते हो, मेरा दिल तोड़ देते हो, तुम्हारी पीर सुना के मैं ये ट्रॉफी लेके आई हूँ। पद्मिनी जोरदार तालियां तुम्हारे लिए। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। और बात चल रही है दिल की, और सचमुच दिल कहते हैं कि पागल है, और दिल कुछ भी सोचता है कुछ भी कहता है, लेकिन जो हमारा आम आदमी है ना वो दिल से बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। कैसे जरा देखते हैं। तेरे इश्क में जिंदगी बस स्टॉप पे कट गई, तेरे इश्क में जिंदगी बस स्टॉप पे कट गई, और तू इतनी बेवफा निकली कि कंडक्टर से पड़ गई। खुदा करे तेरा मोबाइल खो जाए, मिले मुझे और मेरा हो जाए, करूँ SMS में लड़कों को, मार तुझे पड़े और मजा मुझे आए। हमने भी प्यार किया था बड़े जोर के साथ, हमने भी प्यार किया था बड़े शोर के साथ, अब हम प्यार करेंगे बड़े जोर के साथ, क्योंकि कल उसको देखा था किसी और के साथ। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, तो चांद ने कहा अबे गधे इतनी ऊपर से थोड़ी दिखता है। तुमको देखा तो ये ख्याल है, तुमको देखा तो ये ख्याल है, तुम्हारी सहेली को देखा तो दूसरा ख्याल है। भाई ये वो लोग हैं जो दिल में आता है कहते हैं, और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि हमारे देश के अंदर जो लोग अपनी भावनाओं को शेरों शायरी से कविताओं से प्रदर्शित करते हैं वो और किसी चीज़ से नहीं करते। बजट का भाषण भी हो संसद में तो मंत्री शेरों शायरी का सहारा लेते हैं, विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आए तो शेरों शायरी का सहारा लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके शेर लोग बड़े कोट करते हैं अपनी बातचीत में। आज हम गालिब साहब को याद करते हैं, हम मीर तकी मीर को याद करते हैं, हम तमाम शायरों को याद करते हैं, लेकिन अपने ही दौर में प्रसिद्धि पाने वाले बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है। आइए हम मिलकर सम्मानित करें इस दौर के एक बड़े महान और अजीम शायर जिनका नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आप जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति किसी कवि किसी शायर को यहाँ सम्मानित करते हैं तो उनके परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित होते हैं, हम करते हैं उनसे भी बातचीत। हमें बड़ी खुशी आज हमारी भाभी श्रीमती निकट वसीम यहाँ पे उपस्थित है, और वसीम साहब की बिटिया मुरजा। आप लोगों के निकाह को कितना वक्त हो गया? 75 में शादी हुई है। 75 में शादी हुई है। अच्छा, वसीम साहब की एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती? अपना पेन और चश्मा नहीं इस्तेमाल करने देते। अपना पेन और चश्मा इस्तेमाल नहीं करने देते, बहुत अच्छे। तो चश्मे के आपके दोनों का नंबर एक ही है? तकरीबन एक ही है। भाई देखिए, ये भी हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि मियाँ और बीवी की आंखों का नंबर बिल्कुल बराबर रहे, ताकि कोई भी अपनी नजर से वही देखे जो सामने वाला देखे। भाई वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुरजा जी, जी आप जब स्कूल में पढ़ती होंगी तो आप वसीम बरेलवी की बेटी हैं, तो कुछ स्पेशल आपको ट्रीटमेंट मिला करता था? मैं बहुत प्रिविलेज थी जी, बिकॉज आई हैव यूज्ड हिज नेम टू द फुल। आपने पूरी तरह से इनके नाम का प्रयोग किया। I have utilized it. मतलब आप जब क्लास बंक कर ली, वसीम बरेलवी की बेटी हूँ मैं, ऐसा हाँ? कोई इनका एक शेर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? या तेरे साथ रहने पे बस नहीं, तुझे भूलना भी मोहाल है, मैं कहाँ गुजारूं ये जिंदगी मेरे सामने ये सवाल है। क्या बात है, मैं कहाँ गुजारूं ये जिंदगी मेरे सामने ये सवाल है। ये है वसीम बरेलवी। जाते जाते वसीम साहब आप ही का एक शेर उधार लेना चाहता हूँ। वसीम साहब का एक शेर उधार लेता हूँ और कहता हूँ, वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता ही रह गया, वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। वाह वाह क्या बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।